खबर कटनी के ढीमरखेड़ा थाना से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुढ़ा मोड़ में वन रक्षक राजेश लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान ने बताया कि जामुन चूहा बीत में पदस्थ वन रक्षक राजेश लोधी जामुन चूहा गांव से वापस लौटकर दुकान के बाहर बनी पट्टी पर बैठा था। अचानक बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। वहीं शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है। कल दोपहर में मोबाइल फोन पर सूचना मिली थी कि ग्रीड गार्ड राजेश लोधी की ग्राम डोढ़ा मोड़ में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। जी, इस पर तत्काल पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान शव का पीएम कराया गया। पीएम को अभी प्राप्त नहीं हुई जानकारी मिली है अभी तक उसमें ये कि राजेश लोधी जो है थाना क्षेत्र में जामुन क्षेत्र में ग्रीड गार्ड नौकरी करता था। जी, वहाँ लोगों को सुबह अपनी तबीयत खराब होने के संबंध में बताया नहीं था। जी, ग्राम दुढ़ा चला आया था, वहाँ उसकी कुछ देर बाद दुकान के पास बैठने के बाद मृत्यु हो गई। लोगों ने जैसा देखा वैसा बताया है। अभी इसमें पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चला है। रिपोर्ट आएगी साधारण।